गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 4 ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ डॉग लव्स केक, यानी एक कुत्ता केक पसंद करता है. मिस्टर रॉबर्ट इज एन ओल्ड मैन. मिस्टर रॉबर्ट जो है वो एक वृद्ध व्यक्ति हैं, यानी कि वो बूढ़े आदमी हैं. ही लिव्स अलोन इन हिज कॉटेज. ये जो है मिस्टर रॉबर्ट, वो अपने कॉटेज में अकेले रहते हैं. हिज बेस्ट फ्रेंड इज ब्रूनो हिज डॉग. और इनका जो बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा दोस्त है, वो है एक कुत्ता जिसका नाम कि ब्रूनो है. मिस्टर रॉबर्ट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैज अ वॉश एंड गो आउट फॉर अ वॉक. मिस्टर रॉबर्ट जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जा कर के फ्रेश होते हैं. उसके बाद वो टहलने निकल जाते हैं. ही टेक्स हिज डॉग विथ हिम. और वो अपने साथ अपने कुत्ते को भी ले जाते हैं. ही गोज़ टू द कॉफ़ी शॉप, ड्रिंक्स कॉफ़ी एंड ईट्स अ स्लाइस ऑफ केक. द केक इज़ फॉर 2 रुपीज़. जब वो टहलने जाते हैं तभी वो रास्ते में एक कॉफ़ी की दुकान में जाते हैं, वहाँ कॉफ़ी पीते हैं और केक का एक स्लाइस खाते हैं. और वो जो केक है वो एक केक 2 रुपए का पड़ता है. ब्रूनो सिट्स अंडर हिज चेयर, ही गिव्स हिम अ लिटिल केक. ब्रूनो जो है उनका कुत्ता, वो उनकी चेयर के नीचे बैठ जाता है और जो मिस्टर रॉबर्ट हैं वो ब्रूनो को केक का छोटा टुकड़ा देते हैं. मिस्टर रॉबर्ट बाइज़ अ न्यूज़पेपर. ब्रूनो होल्ड्स द पेपर सॉफ्टली एंड कैरीज़ इट होम. मिस्टर रॉबर्ट जो हैं वो रास्ते में न्यूज़पेपर यानी अखबार ख़रीदते हैं और ब्रूनो जो है वो उस अखबार को बड़े ही आराम से पकड़ करके उसे घर तक लेके आता है. ब्रूनो फील्स हैप्पी इन डूइंग हिज मास्टर्स वर्क. और ब्रूनो जो है उसे अपने मालिक का काम करने में बहुत ही खुशी महसूस होती है. लास्ट मंथ मिस्टर रॉबर्ट फेल इल. ही वॉज अनेबल टू गो गेट अप. ही सफर्ड फ्रॉम वायरल फीवर. पिछले महीने मिस्टर रॉबर्ट जो थे वो बीमार हो गए थे. वो उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें वायरल फीवर हो गया था, यानी कि मौसमी बुखार. ही कुड नॉट गो आउट टू गेट हिज न्यूज़पेपर. और वो अपना अखबार लेने बाहर भी नहीं जा पाते थे. ही थॉट ऑफ अ प्लान एंड ही गेव अ 2 रुपी कॉइन टू ब्रूनो. जब वो बाहर पेपर लेने नहीं जा पाते हैं तो फिर उनको एक आइडिया आता है, एक तरकीब आता है, वो ब्रूनो को 2 रुपए देते हैं. लाइक अ रॉकेट द डॉग शॉट ऑफ एंड केम बैक विद द न्यूज़पेपर इन हिज माउथ. और जैसे ही उन्होंने उसको ब्रूनो को 2 रुपए दिया, ब्रूनो रॉकेट की तरह वहाँ से भाग करके गया और फिर जल्दी से वो न्यूज़पेपर अपने मुँह में दबा करके ले आया. आफ्टर अ वीक मिस्टर रॉबर्ट वेंट आउट. एक सप्ताह के बाद मिस्टर रॉबर्ट जो हैं वो बाहर जाते हैं. द न्यूज़पेपर मैन टोल्ड हिम, यू हैव टू गिव मी 14 रुपीज़. फिर तो जब वो बाहर निकलते हैं एक सप्ताह के बाद, तो जो न्यूज़पेपर वाला रहता है वो कहता है कि आपको मुझे 14 रुपए देने हैं. योर डॉग टुक द न्यूज़पेपर एंड डिडंट ब्रिंग एनी मनी. और वो न्यूज़पेपर वाला आगे बोलता है कि आपका कुत्ता रोज़ मुझसे न्यूज़पेपर लेके जाता था और पैसे नहीं देता था. मिस्टर रॉबर्ट वॉज शॉक्ड. नेक्स्ट डे ही गेव ब्रूनो 2 रुपी कॉइन. द डॉग वेंट आउट, मिस्टर रॉबर्ट फॉलोड हिम. और अगले ये चीज़ सुन करके मिस्टर रॉबर्ट जो रहते हैं वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वो तो रोज़ उसको पैसा देते थे ब्रूनो को न्यूज़पेपर के लिए. तो फिर वो अगले दिन भी यही करते हैं, ब्रूनो को 2 रुपए का सिक्का देते हैं और फिर उसका पीछा करते हैं. ही सॉ द डॉग गो टू द कॉफ़ी शॉप. ब्रूनो बॉट अ पीस ऑफ केक एंड ईट इट अप. Naughty dog, said Mr. Robert. तो फिर वो देखते हैं कि वो जो रॉबर्ट रहता है वो कॉफ़ी शॉप में जाता है और वहाँ से केक का स्लाइस लेकर के खा लेता है. उसे देख करके रॉबर्ट जो मिस्टर रॉबर्ट रहते हैं वो कहते हैं कि शैतान कुत्ते, मतलब शरारती कुत्ते. वो उसे देख करके नाराज़ नहीं होते हैं बल्कि स्माइल करते हैं. ब्रूनो हियर्ड हिज वॉइस एंड फेल्ट अशेम्ड. ब्रूनो जो रहता है वो उनकी आवाज़ को सुन करके शर्मिंदा हो जाता है. मिस्टर रॉबर्ट पैटेड ब्रूनो एंड सेड, डोंट डू दिस अगेन, यू आर द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड. मिस्टर रॉबर्ट जो रहते हैं वो उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि अब दोबारा ऐसा मत करना,
तुम संसार के सबसे अच्छे कुत्ते हो. सो दिस वॉज अ स्मॉल स्टोरी. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. टिक द करेक्ट आंसर. नंबर वन, मिस्टर रॉबर्ट इज एन, आंसर इज ओल्ड मैन. नंबर टू, द नेम ऑफ मिस्टर रॉबर्ट्स डॉग इज ब्रूनो. फॉर हाउ मेनी रुपीज इज द केक, आंसर इज 2 रुपीज. नंबर फोर, मिस्टर रॉबर्ट आस्क्ड ब्रूनो टू ब्रिंग, आंसर इज न्यूज़पेपर. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, मिस्टर रॉबर्ट लीव्स इन हिज डैश, आंसर इज कॉटेज. नंबर टू, ही गोज आउट फॉर अ डैश वॉक. नंबर थ्री, मिस्टर रॉबर्ट सफर्ड फ्रॉम डैश फीवर, वायरल फीवर. नंबर फोर, मिस्टर रॉबर्ट सॉ द डॉग गो टू द डैश शॉप, आंसर इज कॉफी शॉप. नाउ डी, राइट ट्रू और फॉल्स. नंबर वन, मिस्टर रॉबर्ट लीव्स विथ हिज फैमिली, इट इज़ फॉल्स. टू, हिज बेस्ट फ्रेंड इज ब्रूनो, इट इज़ ट्रू. नंबर थ्री, ब्रूनो डिड नॉट लाइक टू वर्क फॉर हिज मास्टर, इट इज़ फॉल्स. नंबर फोर, ब्रूनो फेल्ट अशेम, इट इज़ ट्रू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.